गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमन साइंस अकेडमी इंस्टीट्यूशन पे वेलकम है आपका। आज मैं क्लास 12 फिजिक्स इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि बुक में क्या क्या है और कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के हैं उसके बारे में अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि जो भौतिक विज्ञान की पूरी बुक है क्लास 12 की, उसमें टोटल जो चैप्टर है वो है 17 चैप्टर और हर चैप्टर एक दूसरे से इंटरलेटेड है। कैसे कि अगर चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड बात करता हूँ विद्युत क्षेत्र गॉस का नियम या विद्युत विभव की बात करता हूँ तो एक दूसरे से इंटरलेटेड है। ये तीनों है जो 7 मार्क्स के चार चैप्टर। उसके बाद चैप्टर नंबर 5-6 जो है विद्युत धारा विद्युत परिपथ जो तुम्हारे प्रैक्टिकली वर्क में सबसे ज्यादा काम में आने वाले वो है 5 मार्क्स के। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 जो चैप्टर है वो चुंबक से रिलेटेड जो चैप्टर है ये टोटल है 11 मार्क्स के। और चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर जो 10 है एसी के बारे में पूरा दे रखा डीपी दे रखा है वो 7 का। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि हर साल में जहाँ से चैप्टर स्टार्टिंग करता हूँ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्यों करता हूँ, उसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो कुछ चीजें हैं चैप्टर नंबर 11 है उन लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी भी है और वो वापस रिवाइज होने वाली है। तो चैप्टर नंबर 11 12 और 13 जो चैप्टर है टोटल मिला के 13 अंक के हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 की बात करता हूं तो 6 मार्क्स का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 15 16 और 17 है टोटल मिला के 10 मार्क्स का जो चैप्टर है। तो आज सबसे पहले मैं जो मेरा लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं सबसे पहले अपन इन दिनों में इन तीन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 12 एंड 13 तीनों चैप्टर एक दूसरे से इंटरलेटेड है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी लेक्चर मिस ना करे क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक चीज अगर उनको नहीं आई तो नेक्स्ट चैप्टर वो चीज वापस प्रॉब्लम देगी। तो इसके लिए अपन चैप्टर आज जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 11 की बात करता हूं। सेवन कहते हैं किरण प्रकाशी की। इसमें एक चीज ध्यान रखोगे और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे चैप्टर में आप बार बार वीडियो देखते हैं इसमें मैं किरण चित्र कैसे बनाते हैं या रे डायग्राम जिसको कहते हैं अपन कैसे बनाते हैं उसकी एक एक बारीकियां मैं इस लेक्चर में इन दिनों में जो भी लेक्चर पढ़ाऊंगा उनमें एक चीज सिखाऊंगा। तो ध्यान सबसे ज्यादा इसमें रखिएगा क्योंकि छोटी जो चीजें हैं रे डायग्राम में आपको सुविधा देगी। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बात कर लेता हूँ कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या है, ऐसी कोई भी तरंग है या भी ऐसा कोई विकिरण है जो हमारे दृष्टि में क्या करता है संवेदना व्यक्त करता है यानी उसमें चमक उत्पन्न करता है वो सारी चीजें क्या कहलाती है प्रकाश कहलाती है। यानी ऐसी कोई भी तरंग हो या ऐसा कोई भी कण हो जो हमारी दृष्टि संवेदना को व्यक्त करता है वो कहलाता है प्रकाश कहलाता है। और सबसे पहले प्रकाश चैप्टर स्टार्ट करने से पहले किरण प्रकाशी की जो चैप्टर स्टार्ट करने से मैंने कहा है चैप्टर नंबर 11 12 और 13 जो चैप्टर है वो 13 मार्क्स जो चैप्टर है। तो फर्स्ट टॉपिक मेरा जो सबसे पहले है कि प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वापस डिस्कस कर सकते हैं लेकिन बारी इसमें छोटी-छोटी जो टेक्निकल चीजें हैं वो आपको सीखनी है वो मैं ट्रिक से सिखाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, रे डायग्राम कैसा भी रे डायग्राम कोई कंडीशन हो आप उसे बना सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले अगर प्रकाश के परावर्तन की मैं बात करता हूं मैंने कहा कि एक कोई भी सरफेस या सतह है इसपे क्या किया हुआ है पॉलिश किया बेटा याद रखना। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं परावर्तन अपवर्तन है। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है वो
सूक्ष्मदर्शी है, गोलीय अपवर्तन है, उन लोगों ने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, लेंस, दर्पण, उनके जो किरण चित्र है, उनके जो आंकी क्वेश्चन, ये तुम लोग पढ़ चुके हो 10th क्लास में। लेकिन 12th में जो एडवांस में चीज आई है, दो लेंसों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, प्रिज्म का अपवर्तन कैसे होता है, लेंस का अपवर्तन कैसे होता है, दो लेंसों को अगर जोड़ते हैं तो अपवर्तन कैसा होता है, सूक्ष्मदर्शी क्या है, इन सब के बारे में। सूक्ष्मदर्शी में भी दो प्रकार के, सरल सूक्ष्मदर्शी और सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी क्या है, इन सब के बारे में अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। जो कुछ चैप्टर जो 10th का है, कुछ पार्ट जो अभी नया है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। मैं कह रहा हूं कोई भी चीज ली है, मैंने एक कांच लिया है, कांच कौन सा, इसमें एक साइड से दिखाई देता है, दूसरी साइड से दिखाई नहीं देता है, आर पार दिखाई नहीं देता है, तो मैंने कांच लिया है, कांच का एक भाग मैंने क्या है यहाँ पे पॉलिश किया है। तो अगर जैसी प्रकाश की कोई किरण आती है, ध्यान से देखिएगा, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, क्या कहते हैं आपतित किरण, आइए ठीक है। उन दोनों के बीच में जो 90 एंगल पे जो बनता है उसको कहते हैं अभिलंब, क्या कहते हैं अभिलंब। और प्रकाश प्रकाश प्रिंसिपल ये कौन सा होता है, डिग्री कौन सी होता है बेटा, परावर्तित, यानी जाने वाली किरण को क्या कहते हैं परावर्तित किरण। अब यहां पे जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल आई, इसको कहते हैं एंगल आर। एंगल आई क्या है, ध्यान से देखिए, एंगल आई क्या है, अपवर्तन आपतन कोण, और एंगल आर क्या है परावर्तन। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, हमें एक्चुअली क्या पता है कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक एलईडी लाइट लेता हूं, एक सामने कांच लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एलईडी लाइट लेता हूं, ये सामने कांच लगा हुआ है कि लेजर लाइट से जैसे ही यहां से किरण जाती, तो मैंने सपोज कीजिए कि मैंने यहां पे पहला डिग्री पे ये लाइट यहां से टकराई है, तो वापस टकराने के बाद वो पटरी जैसे ही बनाएगी, कितने डिग्री पे बनाएगी, 45 पे ही बनाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, परिभाषा क्या, ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस डिस्कस कर देता हूं कि मैंने एक चमकीली सतह ली है, उसको कोई प्रकाश किरण मैंने छोड़ी, मैंने यहां पे कोई भी उपकरण लिया है, वहां से मैंने प्रकाश किरण यहां पे छोड़ी है, जैसी प्रकाश की किरण छोड़ता हूं तो जैसे ही यहां पे टकराती है तो वापस जितने डिग्री कोण से आती है तो डिग्री कोण से क्या हो जाती है परावर्तित हो जाती है, प्रकाश की झरना होगा कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह पर टकराती है, जब कोई प्रकाश किरण जब किसी चमकीली सतह से टकराती है तो जितने डिग्री कोण से आती है डिग्री कोण से क्या हो जाती है परावर्तित हो जाती है, प्रकाश की किस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बात समझ में आई क्या, इसका एग्जांपल एक और लेता हूं, मैं कह रहा हूं कभी भी अपन रोड पे चल रहे होते बाइक पे तो साइड वाले कांच ऐसे होते हैं, साइड वाले कांच में देखते हैं कभी अगर कोई सूर्य की रोशनी 3 डिग्री कोण पे गिरती है तो अपन देखते हैं कभी फ्लैश पिछले व्यक्ति अगर बैठा है तो दूसरी गाड़ी लेके आ रहा है उसको मुंह पे वापस क्या पड़ता है फ्लैश पड़ता है, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश के जितने डिग्री कोण से आते हैं डिग्री कोण से आती है परावर्तित हो जाती है, प्रकाश की किस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बस बेटा कुछ याद नहीं करना है, मैंने एक पॉली सरफेस ली, मैंने कांच लिया, यहां से प्रकाश किरण आई, जितने डिग्री कोण से लग रहा है डिग्री कोण से क्या हो गई परावर्तित हो गई, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और कॉन्सेप्ट वाली चीज ध्यान से सुनिएगा, टेक्निकल चीजें थोड़ी ध्यान रखोगे, आने वाली किरण को क्या कहते हैं हमेशा आपतित किरण, टकरा के जाने वाली को क्या कहते हैं हमेशा परावर्तित किरण, और दोनों के बीच का जो एंगल होगा यानी 90 डिग्री पे जो बनेगा वो क्या कहलाएगा अभिलंब कहलाएगा। बस मैं उसके बाद बात करता हूं कि आने वाली किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है, ध्यान से देखिएगा, आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो कहलाता है आपतन कोण, क्या कहलाता है आपतन कोण, और जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है परावर्तन। और एक चीज याद रखिएगा, परावर्तन में हमेशा पीक से जितने डिग्री कोण से लाइट आएगी उतने डिग्री कोण से ही वापस जाएगी, ऐसे नहीं कि 90 डिग्री से आई वापस 50 डिग्री पे गई, ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूं परावर्तन की, बात की मैंने परावर्तन के नियम क्या है, मेरा फर्स्ट नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों
एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। अच्छा बेटा, क्या कह रहा है? प्रकाश का परावर्तन आपको स्वर्ण में आ गया। नियम क्या परावर्तन के, ध्यान से सुनिएगा कि आने वाली किरण में कहते हैं आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित किरण, तीसरी बात अभिलंब। तीनों चीजें ये कह रहा है कि ये मैंने मान लिया है कांच या पॉलिश की भी कोई चीज है, यहाँ से अगर कोई प्रकाश किरण आती है यही पे आएगी, यही से टकराएगी, यही से वापस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो तीनों चीजें हैं, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और उन दोनों बीच का अभिलंब, तीनों चीजें कहाँ होगी, एक ही जगह पे होगी। यानी आएगी प्रकाश किरण यही पे, टकराएगी भी यही से और निकल भी यही से जाएगी। तो पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों कहाँ होंगे, एक ही तल में स्थित होंगे। दूसरा नियम बेटा मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि प्रकाश किरण जितने डिग्री कोण से आए, जितने डिग्री कोण से ही परावर्तित हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। That's all. नेक्स्ट बड़े याद रखना, कुछ बेसिक चीजें हैं जो तुम्हारे को कंपटीशन नेक्स्ट जो मीट है या आईआईटी दे रही है, ट्रिपली है, जो भी है, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेसिक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं लिखूंगा, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको याद करना है, पता होना चाहिए क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन में पूछते हैं, ध्यान रखिएगा क्या कहता है। परावर्तन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि पॉलिश किया हुआ भाग है, या भी मैंने कहा है कोई भी कैसी है, चलती सतह है। ध्यान से सुनिए बेटा, अभी जो आपने पढ़ा उसके रिलेटेड है, अभी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ये क्या कह रहा है बेटा कि अगर कोई भी पॉलिश की भाग या चमकीली सतह है, अगर प्रकाश किरण उसकी क्या आती है, लंबवत आती है, क्या आती है, लंबवत आती है। ध्यान से सुनना, तो बेटा ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है कि अगर मैंने कोई भी चमकीली सतह ली, ध्यान सुनना, ये मैंने कहा पॉलिश की भाग है, प्रकाश किरणों को मैं ऐसे नहीं छोड़ के, कहां से आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो बेटा जैसे ही कोई प्रकाश किरण यहां से आएगी, तो जैसे ही यहां से टकराएगी, टकरा के वापस कहां चली जाएगी, उसी दिशा में चली जाएगी। बात समझ आ गई? तो याद रखना कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी भी चमकीली सतह के पास आती है, लंबवत आती है, अगर कोई प्रकाश किरण जैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो यहां से जैसे टकराएगी पॉलिश वाले भाग से, टकरा के वापस कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। बात समझ आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, ये ध्यान रखोगे। अगली बात समझ में, नेक्स्ट जो टॉपिक है बड़ा, यहां से बड़ा ध्यान से देखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा, इससे पहले टॉपिक पहले मैं ले लेता हूं, उसके बाद डिस्कस करता हूं बेटा। फुल बुक के अंदर एक चीज आएगी, वास्तविक प्रतिबिंब और एक आएगा आभासी प्रतिबिंब। ध्यान से सुनना, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कह रहा हूं कोई प्रकाश किरण आती है और किसी सतह से अगर टकराती है, ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये पॉलिश की भी कोई भाग है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई, तो यहाँ पे बेटा क्या बना उसका, अभिलंब बना। अभिलंब बनने के बाद यहाँ से ये चली गई। उसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि कोई भी प्रकाश किरण यहाँ से टकराई, टकरा के यहाँ पहुंची। अगर कोई भी प्रकाश किरण, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई भी प्रकाश किरण एक दूसरे से प्रतिच्छेद होती है और कटती है, तो वहां पे प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। बात समझ आ गई? अगर मैंने कहा है कि कंडीशन में ले लेता हूं उसको समझाने के लिए कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, कि मैंने एक दर्पण लिया है, उसके बारे में मैं डिटेल समझाऊं उसमें होता क्या है, या वस्तु मैंने रखी है, तो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। अगर कोई प्रकाश किरण जाती है और टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से वास्तविक रूप से कट जाती है, तो वहां पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक।
अगर मैं कह रहा हूं कोई भी प्रकाश किरण टकराती है किसी भी चमकीली सतह से टकराती है, टकराने चार किस रूप से मिलती है, काल्पनिक रूप से, यानी डॉटेड जो लाइन होती है वो हमेशा शो करेगा किसको, आभासी प्रतिबिंब, इसको बताएगा हमेशा वो आभासी प्रतिबिंब को। तो ये सीधी जो लाइन होगी वो हमेशा किसको बताएगी, वास्तविक प्रतिबिंब। बात समझ में आ गई। अगर किसी भी डायग्राम के अंदर अपन जबरदस्ती में कह रहा हूं उसको मैं मिला रहा हूं, क्योंकि वो मिल नहीं रही वास्तविक रूप से, वो मिल नहीं रही, काल्पनिक रूप से अपन पीछे लेके जाते मिलाते हैं, तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनेगा, आवासीय प्रतिबिंब। और जहां पे एक दूसरे से लाइन प्रतिच्छेद हो जाती है, आपकी और परावर्तित किरण एक दूसरे से प्रतिच्छेद हो जाती है, वहां प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आ गई। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आवासीय प्रतिबिंब क्या होता है, वापस में एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है कि अगर कोई भी प्रकाश के यहाँ से आई टकराने के पश्चात वास्तविक रूप से आगे जाकर मिलती है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने कहा कि अपन देखते सिनेमा हॉल के अंदर जो पर्दा देखते हैं वहां पे जैसी वो प्रोजेक्टर से जैसी लाइट को छोड़ता है वहां पे देखता हमको जैसी फिल्म के अंदर जो रिकॉर्डिंग की हुई ऐसी चीज हमको दिखाई देगा पर्दे पर वो तो प्रतिबिंब कैसा कहलाता है, वास्तविक। दूसरी बात करता हूँ आभासी प्रतिबिंब की बात करता हूँ, अपन देखते अपने घरों के अंदर अगर दीवार के पास जस की जो परछाई दिखाई देती है वो हमेशा कैसी होती है, आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, मैं वापस एक बार बोल देता हूँ। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब ऐसा प्रतिबिंब जिसमें दोनों प्रकाश किरणों की जो आपती और परावर्तित किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और जिसमें प्रतिच्छेद नहीं करती है, अपनी जबरदस्ती उससे बात पीछे की ओर मिलाते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनाती है, आवासी प्रतिबिंब बनाती है। समझ आ गई। आगे और डिस्कस करता हूं मैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं परावर्तन के प्रकार। बड़े ध्यान से सुनना, आपके लोगों ने जो पढ़ा है सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, दिमाग में ऐसी कॉन्सेप्ट वाइज याद करोगे, आगे पीछे याद नहीं करोगे, मेरा ये मानना है। दिमाग में जैसे ही फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक एंड फोर्थ टॉपिक, ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस किया आपसे, तो सबसे पहले मैंने कहा परावर्तन किसे कहते हैं, उसके बाद उसके नियम मैंने बताया है, उसके बाद मैंने एक कंडीशन आपको बताई है, उसके बाद प्रतिबिंब के जो प्रकार होते हैं, यानी प्रतिबिंब का मतलब जो अपनी इमेज बनती है किसी भी चीज के अंदर या किसी वस्तु की बनती है वो कहलाता है प्रतिबिंब, वो बनती है। उसमें दो प्रकार मैंने बताया, वास्तविक रूप से और आभासी रूप से बनती है। अब मैं बात करता हूँ परावर्तन के प्रकार। अगर बात करता हूँ बेटा, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नियमित परावर्तन और सेकेंड होता है विस्तृत परावर्तन। ध्यान से सुनिएगा दोनों क्वेश्चन में, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन क्या है। नियमित परावर्तन की बात करता हूं, ये मैंने कहा है एक चमकीली सतह है, ध्यान से देखिएगा कैसी सतह है, एक चमकीली सतह है या फिर कोई भी पॉलिश वाला भाग है। कहने का मतलब क्या है कि घरों का अपना जो फेस देखने वाला कांच है वो मैंने लिया है, अभी बात सुन बेटा, ये मैंने क्या मान लिया, ये मैंने कांच लिया है, ठीक है। अब इस कांच के ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चार पांच ट्यूबलाइट लगा देता हूँ, यानी ये बड़ा एक कांच ले लिया मैंने, साकार का बड़ा, उसको एक ट्यूबलाइट, सेकंड ट्यूबलाइट, थर्ड ट्यूबलाइट एंड फोर्थ ट्यूबलाइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चार का लगा दिया प्रकाश के, यहाँ से देखना बेटा, यहाँ पे मैंने क्या करता है, प्रकाश को फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी बेटा कहने का मतलब क्या है कि मैंने चार टॉर्च ली है, चारों टॉर्च को यहाँ पे पकड़ के कांच के ऊपर छोड़ दी, तो ये तो आने वाली किरण होगी आपकी, आई बेटा वास्तव में। अब देखना, अगर मैंने कहा जो चमकीली सतह है पॉलिश किया हुआ भाग एकदम प्लेन है, बेटा कैसा है, प्लेन है, नियमित परावर्तन कंडीशन ये है कि नियमित परावर्तन कहाँ पर होता है, जहां पर जो पॉलिश की हुई भाग होती है वो एकदम कैसे होती, प्लेन होती है, वहीं पे नियमित परावर्तन होगा। तो कहने का मतलब मैंने ऐसा कांच लिया तो एकदम क्या है, प्लेन है, खुरदरा नहीं होना चाहिए, एकदम क्या है, प्लेन है। तो यहां से मैंने चार जो टॉर्च है वहां से प्रकाश की किरण छोड़ी, तो जैसे ही मैं छोड़ता हूं तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, बीच में दोनों के सब में अभिलंब बनेगा, क्या बनेगा, अभिलंब। तो यहाँ से इतनी डिग्री कौन सा, इतनी डिग्री कौन सी वापस कर रही है बेटा, परावर्तित हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि नियमित परावर्तन का मतलब क्या, ऐसा परावर्तन जिसमें कोई प्रकाश किरण, ध्यान से सुनिएगा, नियमित परावर्तन का मतलब क्या, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नियमित परावर्तन कहाँ होगा, ऐसी जगह होगा जहां पे समतल सतह होनी चाहिए,
ठीक है, मैंने एक बड़ा घर में कांच लिया, नीचे रख दिया है और चार टॉर्च लाइट ली, जितने डिग्री बॉन्ड से मैं टॉर्च लाइट की जो प्रकाश को मैं छोड़ रहा हूँ तो वापस देखता हूँ डिग्री पे बॉन्ड सामने क्या बनेगी, इमेज उसकी बनेगी। तो कहने का मतलब जितने डिग्री बॉन्ड्स आएंगे उतने डिग्री बॉन्ड्स ही वापस परावर्तित हो जाए। तो परिभाषा क्या होगी, ऐसा परावर्तन जिसमें, ध्यान से सुनना, ऐसा परावर्तन जिसमें कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ, किसी चमकीली समतल पृष्ठ, तो जितने डिग्री बॉन्ड्स आते हैं उतने डिग्री बॉन्ड्स ही क्या करती है, परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की घटना को कहते हैं नियमित परावर्तन। बात सुना बेटा, वापस एक बार क्लियर कर देता हूँ कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल चिकनी पॉलिश की भाग से टकराती है तो जितने डिग्री कौन से आते हैं उतने डिग्री कौन सी परावर्तित हो जाती है, वो कहलाता है नियमित परावर्तन। यानी पहले परावर्तन की परिभाषा में यानी कि है बेटा, अब विस्तृत परावर्तन की बात करता हूं। मैंने कहा कि अगर कोई चमकीली सतह है जाती है, मैं बात कर रहा हूं पॉलिश वाला भाग, ध्यान से सुनना, अगर मैंने कहा कोई चमकीली सतह है या फिर पॉलिश किया हुआ कोई क्या है भाग है, तो यहां पे जैसे मैंने कहा है कि प्रकाश की किरणें मैंने छोड़ी, ध्यान से सुनिए बेटा, ठीक है, ये सारे क्या है आपतित किरण, ठीक है। मैंने कहा कि एक पहाड़ है वहां पे मैंने प्रकाश की किरणें छोड़ी, तो वहां पे जितने डिग्री कौन से रहेंगे उतने डिग्री कौन से वापस जाएंगे, क्योंकि वो जगह कैसी है ऊपर लिखा हुआ है। तो यहां पे देखो, जैसे जैसे मैं अभिलंब बनाता हूं, क्या बनाता हूं, अभिलंब बनाता हूं, तो देखते हैं कि सारी किरणें एक दूसरे से बराबर, देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है सबके बीच में जो अंतर आ रहा है बराबर नहीं, जबकि इनकी मैं बात कर रहा हूँ बेटा ध्यान से देखिएगा, इनमें सबके बीच का जो कोण है उनका अंतर क्या है, सब में समान होगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो प्रकाश किरण आती है वो कहीं पे टकराने के बाद फैल जाती है, इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है आभासी। कैसा प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे आभासी, प्रकाश किरण फैल जाती है काल्पनिक रूप से, वो मिलती है पीछे, और यहाँ पे जो प्रकाश किरण है एक दूसरे टकराती है मिलती है, इसलिए यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है ना, और यहाँ पे हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। वापस बोल देता हूँ बेटा, दोनों की परिभाषा क्या है, नियमित परावर्तन ऐसा परावर्तन जिसमें कोई प्रकाश किरण चमकीली सतह या पृष्ठ से टकराती है तो जितने डिग्री कोण से आते उतने डिग्री कोण से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। और यहाँ पे जो कोण है जितने भी आपतित किरण है उनके बीच का जो डिस्टेंस या दूरी है वो हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी, जबकि इनके अंदर प्रकाश किरण किसी खुरदरे पृष्ठ या ऊपर पावर जगह से टकराती है तो जितने डिग्री कोण से आते उतने डिग्री कोण से परावर्तित नहीं होती है, क्योंकि वो फैल जाती है, काल्पनिक रूप से पीछे मिलती है, ऐसा परावर्तन कहलाता है विस्तृत परावर्तन। थैंक यू।